जय मसीह की। बाइबल के एक दूसरे के विरोधी वचन में ये 24वां वीडियो है। बाइबल के कई वचन एक दूसरे के विरोध में दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे है नहीं। कई लोग एक वचन के विरोध में दूसरा वचन बताते हैं, ये उनकी मूर्खता है। अगर आप बाइबल के सच्चे ज्ञान में बढ़ना चाहते हो, बाइबल के भेद रहस्य को जानना चाहते हो और मेरे चैनल पर नए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर रखूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ में वीडियो पसंद आए उसको लाइक जरूर करना, शेयर भी करना और कमेंट भी कर देना। और अगर वीडियो पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर देना, पर वीडियो जो है वो पूरा देखना। और आज का जो वचन है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26वां अध्याय और उसका 52वां पद। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। पतरस ने तलवार निकाल कर किसी के कान को काट दिया, तो प्रभु ने उसको कहा, जो तलवार उठाएगा वो तलवार से ही मार दिया जाएगा। और दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका उसका 22वां अध्याय और उसका 36वचन, लूका 22 और 36। उसने उनसे कहा, मतलब प्रभु ने अपने चेलों से कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर मोल ले। बोले अब तुम्हारे पास तलवार होनी चाहिए, ना हो तो कपड़े भी बेच दो लेकिन तलवार ले लो। देखो प्रभु यीशु कहते हैं कि तलवार ले लो, अब सच क्या है? प्रभु यीशु तलवार चलाने को मना करते हो वो सच है, या प्रभु यीशु तलवार रखना कहते वो सच है? और ध्यान से वचन को समझते रहना। प्रभु यीशु ने कहा, जो हमने पढ़ा मत्ती और उसका 26वां अध्याय और उसका 52वां वचन, कि तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। ये वचन सच है, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, उसको वैसा ही फल जो है वो वैसा ही फल मिलेगा, ये बात सच है। साथ में जो हमने पढ़ा लूका में, लूका उसका 22वां अध्याय और उसका 36वचन, कि उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर भी तलवार ले ले। तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? अगर जो तलवार उठाते वो तलवार से ही नाश होते, उसको वैसा ही फल मिलता है, जो जैसा करता है वैसा ही उसके साथ किया जाएगा, तो प्रभु उसने तलवार खरीदने को क्यों कहा? प्रभु उसने तलवार खरीदने को इसलिए कहा था। और आगे पढ़ते उसका 37 वचन, लूका 22 और 37, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने पर है। ये एक भविष्यवाणी की गई थी कि जब मसीह आएंगे तो वो अपराधियों में गिने जाएंगे, वो गुनहगार जो है वो गिने जाएंगे। और ये भविष्यवाणी की थी यशाया भविष्यवक्ता ने, और उसके 53वें अध्याय में हम पढ़ते हैं यशाया भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 53वां अध्याय और उसका आखिरी पद, मतलब कि 12वां वचन, इस कारण मैं उस महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थ्यों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी थी कि वो अपराधियों में गिने जाए, तो प्रभु यीशु ने सिर्फ इतना बोला था कि तलवार खरीद लो, ऐसा नहीं बोला था तलवार चलाना है। वो इसलिए तलवार खरीदनी थी कि जब भी वो पकड़े जाए तो उनके पास से तलवार निकले और वो लोग उनके ऊपर इल्जाम लगाए, इधर तलवार रखता है,
और गुनहगार गिने जाएंगे। ये भविष्य वचन जो लिखा था वो पूरा करने के लिए प्रभु ने कहा तलवार खरीद लो, वो चलाने के लिए नहीं कहा था। तो प्रभु से बोलते तलवार चलाएगा तो तलवार से ही नाश होगा, ये बात सही है। साथ में प्रभु ने तलवार खरीदने को बोला था, वो सिर्फ खरीदने की बात थी, उनकी भविष्यवाणी पूरी करने के लिए कि वो गुनहगारों में गिने गए, लेकिन तलवार चलाने के लिए उन्होंने नहीं कहा था। तो दोनों वचन वो सही है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।